जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। मैं इसमें आपको भाग करना सिखाऊंगा और प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो उसको करना किस तरह, जिससे भाग देना होता है आप सबसे पहले ऐसे लिखिए 2x² + 3x + 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिससे भाग देना होता है ना उसे हम यहां पर लिखते हैं। समझ में आया, जिससे भाग देना होता है उसे हम यहां पर लिखते हैं और फिर उसके बाद क्या करना है। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसका जो पहला अक्षर है और इसका जो पहला मतलब पद जो है, तो यहां पर हम इसकी बात करेंगे। तो कैसे करना है आपको, यहां लिखिए 2x² और इसमें भाग दे दीजिए किसका, इस x का। तो 1x से 1x कट जाएगा, बचेगा कितना 2x, प्लस का 2x बचा, इस प्लस के 2x को यहां पर लिख दो, ठीक है। और इसी 2x से गुणा कर दो किसको, इस पूरे को x+2 को। तो कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करो, देखो 2x² + 2 × 4x। तो ये 2x² + 4x अब इसके नीचे आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, यहां पर आ जाएगा 2x² + 4x। ये क्लियर हुआ आपको। फिर क्या करेंगे, अब देखो फिर करते हैं हम, यहां पर करते हैं साइन चेंज, चिन्ह को चेंज करते हैं, है ना, चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो ये कट गया, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। तो 3 तो प्लस का है और 4 माइनस का है, तो माइनस का एक्स बच जाएगा। तो यहां लिख दो माइनस का एक्स, और ये जो प्लस एक्स बचा ना ये लिख दो प्लस एक, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पर, अब आपके पास यहां कितना बचा, इसका पहला पद, यहां लिखो माइनस एक्स, इसका पहला पद एक्स कितनी बार कट रहा है, एक बार, यानी माइनस एक। तो माइनस एक को गुणा कर दो किससे, x+2 से। तो ये कितना बन जाएगा, -x - 2। तो यहां माइनस एक से गुणा किया और यहां पर लिख दो -x - 2। अब फिर चिन्ह चेंज किए, तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो ये तो हो गया कैंसल। ये दो प्लस का है एक, अभी दो इस वाले चिन्ह को देखेंगे, इस दो का जो चिन्ह है ना वो प्लस का हो गया, समझ में आया। तो 2 और 1 मिलके बन गया 3। इस तरह से हम भाग देंगे। ये आपको समझ में आया था सब पोर्शन। अगर देखो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी का एक साल बचा सकता है। तो ये आपको मैंने एक बेसिक सा बात इसमें आपको बताई है। अब नेक्स्ट एक पार्ट और देखिए, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, एक चीज और इसमें देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अभी कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर किसी एक संख्या ले लेता, कोई एक संख्या लेता, मान लीजिए मैंने यहां ले दिया 13, यहां लिखा 2, तो ये 6 और ये आया आपके पास 2 × 12, ये 1 बच गया। तो ये जो होता है ना इसे हम बोलते हैं भाजक, इसे हम बोलते हैं भाजक, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं भागफल और इसे हम बोलते हैं शेषफल और इसे हम बोलते हैं भाज्य। अब आप देखो, अगर मैं ये जो मैंने आपको यहां पर लिखा है ये अगर इसमें लिखता हूं वापस, तो समीकरण बराबर आने चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो हमने देखो भाज्य लिखा 12 13 बराबर भाजक 2 गुणा भागफल 6 + 1। तो 6 × 2 कितना हुआ 12 12 + 1 कितना हुआ 13। तो इस तरह से आप इस पूरी टर्म को इस तरह भी लिख सकते हो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से भी आप यहां पर इसे लिख सकते हो। ये आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करूंगा एक क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x³ + x² + 2x + 5 में भाग देना है किसका, x² + 2x + 1 का। ये उल्टा लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा इसको व्यापक पद के रूप में लिखना है। व्यापक पद क्या होता है, ax² + bx + c। समझ में आया। अब यहाँ पर अगर आपको इसको भाग देना है तो सिंपल सी बात है, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3x³ + x²
प्लस 2x प्लस 5, ये आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मैंने आपको क्या कहा, इसका पहला पद उठा लो, इसके अंदर वाले के पहले पद में, यानी कि ये 3x³ में भाग दे दो किसका, एक्स स्क्वायर का, तो ये कट जाएगा दो बार, ये बचेगा 3x। ठीक है, इस 3x को मैं लिख दूं। अब अगर 3x को मैं इस पूरे से गुणा करता हूं, कहने का मतलब है 3x को अगर मैं गुणा करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 3x³, 3 × 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो इस समीकरण को यहां लिख दो, 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। एक बात और अगर आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो कि जैसे घन है तो घन के नीचे घन को ही रखना है, जैसे क्यूब है ना तो ये क्यूब ही रखा, स्क्वायर तो उसके नीचे स्क्वायर को ही रखना है। चिन्ह चेंज किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कट गया पूरा, ये 6 माइनस का है, ये 1 प्लस का है, तो ये बन जाएगा माइनस का 5x², समझ में आया, ये 2 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो ये बन जाएगा माइनस का x। अब ये आपके पास जो है वो आ जाएगा प्लस 5। क्या करना है, वापस देखिए, वापस यहां पर आपके पास क्या है 5x² और यहां पर कितना है x², तो यहां लिखा माइनस, अच्छा चिन्ह को भी साथ में लेना है ना, यहां लिखा x² कट गया, कितना आया -5। इस -5 से गुणा कर दिए इस पूरी समीकरण को, तो ये आपके पास आ जाएगा -5x² -10x -5, ये आपने यहां -5 लिखा। अब -5x² -10x -5, ठीक, फिर क्या करना है, फिर चिन्ह चेंज करो, तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है, माइनस का था, मल्टीप्लाई करेंगे तो सब, या गुणा करेंगे तो सब माइनस के हो जाएंगे, तो ये पूरा तो कट गया, ये बचा प्लस का 10x और ये बचा माइनस का, तो ये बच जाएगा प्लस का 9x, ये प्लस का 5 और ये 5, तो कितना हो गया 10। अब यहां आप देख सकते हो, अगर मैं इसमें इसका भाग दूं आप, क्योंकि इसकी जो घात है, इसकी घात कितनी है एक, इसकी घात कितनी है दो, यानी ज्यादा है, समझ रहे हो आप, इसकी घात कितनी है एक, इसकी घात कितनी है दो। यहां से एक बात आपको समझ में आती है, ये समझ में आया कंसेप्ट, यहां से एक बात आपको समझ नहीं, मान लीजिए दो बहुपद है आपके पास, एक है पी एक्स और दूसरा है जी एक्स, ठीक है, दो बहुपद है आपके पास, तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो, पी एक्स बराबर लिख सकते हो, जैसे पी एक्स में मान लीजिए भाग देना है जी एक्स का, तो आप किस तरह से लिखोगे, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब आप पूछोगे ये क्या है, पी एक्स क्या है जिसमें भाग देना है, जी एक्स क्या है जिसका भाग देना है, क्यू एक्स क्या है जो आपको मिलेगा, और आर एक्स क्या है आपके पास जो आपके पास बचेगा, रिमाइंडर यहां पर शेषफल जिसकी हम बात करते हैं, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट आपको, तो पी एक्स ये भी एक थ्योरम ही है, इसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। कहने का मतलब है ये जो लिखा हुआ है ना 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 जो लिखा हुआ है, इसे आप लिख सकते हो इस तरह से x² प्लस 2x प्लस 1, इसको गुणा करना है किससे 3x माइनस 5 से, और इसमें rx जोड़ दो, rx क्या है 9x प्लस 10। जब आप इस पूरी टर्म को इस तरह से लिख सकते हो, तो ये आपका एक बेसिक सा कंसेप्ट तैयार हुआ। देख लो आप एक बार मैंने क्या क्या किया, इस वाले के अंदर इसका भाग दिया। अच्छा एक बात जो सबसे जरूरी है, आपने नोट किया कभी भी, ये जो जी एक्स है ना आपके पास, ये जी एक्स होता है, ठीक है, ये वाला जो है ना ये जी एक्स होता है, ये गलत बहुपद है, जी एक्स की जो घात है वो हमेशा इससे क्या होनी चाहिए, देखिए ये 3 था ये 2 है, तो यानी कि इसकी घात हमेशा कम होनी चाहिए तभी भाग जाएगा, ये कितना है 2, ये कितना है 2, भाग जा सकता है, ये कितना है 1 और ये कितना है 2, भाग नहीं जा सकता, यानी कि जी एक्स का मान जो है, यानी जी एक्स की जो घात है कम होनी चाहिए किससे, आर एक्स, समझ में आया, इससे कम होनी चाहिए तब जाके आप भाग दे सकते हो। आपको ये समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूं इसमें, क्लियर, और बराबर हो तो भी भाग जा सकता है, ये आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट आपका तैयार करा दिया। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 और भाग देना है x माइनस 1 माइनस x². सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि कभी भी कोई समीकरण अगर आपको दी हुई हो तो सबसे पहले उसका व्यापक रूप लिखिए। व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो देखिए x³ की अगर बात करें इस वाले की तो कितना होता है ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है क्या? देखो तीन पहले है, तीन बाद में आ रहा है, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, माइनस एक्स क्यूब प्लस तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस पाँच। दूसरे वाले केस की बात करते हैं, तो ये कौन सी? त्रिघात समीकरण। कौन सी? त्रिघात। अब ये तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? द्विघात। तो देखो ये ऐसा लिखा हुआ है क्या, तो इसको हम कैसे लिखना पड़ेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो ये आपका पूरा का पूरा एक बेस तैयार हो गया। अब हम डायरेक्ट भाग करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से समझना, कोई पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे जाओगे, पर्टिकुलर टाइम बता देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे वो टॉपिक भी पूछ सकते हो। चलिए अगर हम बात करते हैं, तो ये देखिए हमने इसे लिखा तीन एक्स माइनस एक्स क्यूब तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस पांच, और भाग किसका दे रहे हैं हम? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक का, इसका भाग देना है आपको। तो बड़ा सिंपल टेक्निक है, यहाँ का पहला उठाया आपने माइनस एक्स क्यूब, फिर उधर से पहला उठाया एक्स स्क्वायर, केवल एक एक ही उठाना है, ये कट जाएगा, कितना बचा? एक्स। इस एक्स से उस पूरी समीकरण को गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कितनी बार किया? एक्स से गुणा किया ना, तो ठीक है। अब ये साइन चेंज किया आपने, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसको इनके आगे जो साइन होते हैं ना उसके हिसाब से चेंज, उसका उल्टा साइन लेते हैं। तो ये प्लस और माइनस कट गया, ये प्लस का तीन है, ये माइनस का है, तो ये बच जाएगा दो एक्स स्क्वायर। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो तीन और ये हो जाएगा माइनस का दो एक्स। ये प्लस पांच जो है ये आपने ऐसा कैसा उतार लिया। फिर क्या किया इधर देखो आप, कितना है? दो एक्स स्क्वायर, और उधर देखो कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बचा? माइनस दो, यानी दो माइनस दो। अब इस माइनस दो से इस पूरी समीकरण को गुणा करो, प्लस दो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस दो, लिख दीजिए प्लस दो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस दो, लिख दिया। अब देखिए साइन चेंज किया आपने, तो ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये माइनस प्लस का दो है, माइनस का दो है, कट गया, पांच में से दो गया तो बच गया तीन। तो ये आपके पास बच गया इसका क्या, क्या बचा है? शेषफल। क्वेश्चन में था भाग दीजिए, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करनी है, कैसे करेंगे? टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं, एक बार नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमने एक बात यहां पर अभी सीखा है, हमने क्या भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये क्या है? पूरा भाजक, ये क्या है? पूरा शेषफल, ये क्या है? पूरा, ये आपके पास आया जो क्या है? भागफल, और इसके अंदर जो है वो क्या है? पूरा भाज्य। कहने का मतलब है अगर मैं भाजक और भागफल को गुणा करूंगा और उसमें तीन जोड़ दूंगा तो ये अंदर वाली समीकरण आ जानी चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं, सत्यता की जांच भी हो जाएगी। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एक्स माइनस दो प्लस तीन,
इस माइनस एक्स को इस पूरे से गुणा करो, माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा कर दिया एक्स माइनस टू से, फिर एक्स को गुणा कर दिया एक्स माइनस टू से, और माइनस एक को गुणा कर दिया एक्स माइनस टू से प्लस तीन। हो सकता है इधर वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैं आपको बोल बोल के लिख रहा हूँ। इसको गुणा करो, माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस दो प्लस तीन। तो माइनस है एक्स क्यूब तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस पाँच। इसको देखो और इसको देखो, कुछ एक जैसा दिख रहा है क्या? कहने का मतलब क्या है कि विभाजन एल्गोरिदम जो ये हमने क्या किया था, इसकी सत्यता की जांच की और वो सही साबित हुई। क्लियर हुआ? ये नोट कर लीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, दो एक्स की घात चार माइनस तीन एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स छः एक्स माइनस दो के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको ये नहीं दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यांक रूट दो और माइनस रूट दो ज्ञात है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि कितने शून्यांक हो सकते हैं किसी समीकरण के। यहाँ पर इसकी अधिकतम घात चार है तो इसका मतलब इसके चार शून्यांक होंगे, अधिकतम घात दो है तो इसका मतलब उसके दो ही शून्यांक होते हैं। आपने देखा द्विघात समीकरण में हमेशा दो मान निकलते हैं एक्स के, है ना? ऐसे अगर x की घात अधिकतम एक है तो उसका एक ही शून्यांक होगा, तीन है तो तीन शून्यांक, चार है तो चार शून्यांक, पांच है तो पांच शून्यांक, छह है तो छह शून्यांक। x की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अब यहां पर इसने कहा कि मैंने आपको दो शून्यांक दे दिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। एक बार अभी मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कर लो, एक बार इस वीडियो को पूरी खत्म करने के बाद जरूर करना इस क्वेश्चन को, कम से कम एक बार तो कर ही लेना। तो यहाँ इसके सभी शून्यांक ज्ञात करने, दो आपको दिए हुए हैं। शून्यांक क्या होता है? x बराबर ही हम निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो x बराबर आपको दो चीज दी हुई है, रूट दो। तो इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, और एक आपको दे रखा है एक्स बराबर माइनस रूट दो। इधर लेके आ जाओगे तो ये बन जाएगा x प्लस रूट दो। तो इस तरह से दो हमारे पास टर्म होती है, x प्लस रूट दो और x माइनस रूट दो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस दो। तो इसका मतलब इस समीकरण को हल करने पर एक भाग ऐसा बना था जिसको इसने तोड़कर इस तरह से दे दिया। अगर आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, टी स्क्वायर माइनस पंद्रह वाला जो केस था, तो ये इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन। ये आपको बहुत बेसिक सा क्लियर हुआ। अब इसके दो शून्यांक दे दिए, दो हमें और निकालने, तो बड़ा सिंपल सी चीज है, हम क्या करेंगे, भाग लगा लेते हैं। हमें तो सिर्फ एक ही चीज आती है, भाग लगाना। भाग लगा दो, अच्छा किसका लगाना है, भाग इसका लगेगा। आप ध्यान रखना, ये आपके पास क्या है, आपने जो निकाला है ये आपके पास जी एक्स है और जो दिया गया है वो पी एक्स है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। पी एक्स आपको दे रखा है दो एक्स की घात चार तीन एक्स की घात तीन तीन एक्स स्क्वायर छ एक्स माइनस दो। जी एक्स आपको दे रखा है, ठीक है, भाग लगाते हैं, हमेशा पी एक्स में जी एक्स का लगाते हैं, ठीक है? तो यहां पर आप देख लो एक्स स्क्वायर माइनस दो, यहां दिया है आपको तरीका, मैंने आपको बताया है क्या करना है। यहां से पहला उठाओ, यहां से पहला उठाओ, ये लिखा दो एक्स की घात चार बटा एक्स स्क्वायर, कट गया एक्स स्क्वायर बच गया। अब ये दो एक्स स्क्वायर से इस पूरी समीकरण को गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा दो एक्स की घात चार माइनस चार एक्स स्क्वायर, ठीक है? कितनी बार गया, दो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो दो एक्स स्क्वायर, मतलब जो आपके पास भागफल आएगा वो दो एक्स स्क्वायर, ठीक है? यहाँ लिख दिया आपने दो एक्स की घात चार। अब ध्यान रखना है क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे ही लिखना है, माइनस चार एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये तो कट गया। ये अब देखो ये माइनस का तीन है ना, इसको लिख दो पहले, फिर ये माइनस का है और ये प्लस का, यानी ये प्लस का है, तो चार में से तीन गया तो कितना बच जाएगा, एक एक्स स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2। फिर क्या करना है, फिर इसका पहला ना उठाया पद, इसका पहला पद उठाया तो माइनस 3x की घात 3 बटा एक्स स्क्वायर कट गया, बचा कितना माइनस 3x, और ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x। ये लिख दीजिए यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x की घात 3 और प्लस का 6x, ठीक है, साइन चेंज करो, माइनस का है प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया, प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया, ये भी कट गया, जीरो हो गया, माइनस का 2 बच गया, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि प्लस 1 और आ जाएगा, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करें, अरे भाई ये इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड और निकालना है, तो इसके क्या करें, इसके और गुणनखंड कर देते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसे आप क्या लिख सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1, तो 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 और x माइनस 1, तो इसके टोटल चार गुणनखंड हो गए, कौन कौन से, यानी चार शून्यांक हो गए। अब इससे अगर आप निकालना चाहो तो x के दो मान और निकल जाएंगे, क्या क्या, 1/2 और 1, तो x के चार मान आपको प्राप्त हो चुके हैं, कौन सा, रूट 2 माइनस रूट 2, 1/2 और 1, समझ में आए, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 की, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है px आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2। अब आपको ये सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन इसका मैंने इसका थर्ड पार्ट लिया, जो क्वेश्चन सेम है और वो क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं आते कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वो भी आपको करा दूंगा, बट पहले आप कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन की। तो अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन में आपको शेषफल भागफल आपको निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इतने क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये आपके पास एक्स क्यूब है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिखो एक्स क्यूब, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स, इस एक्स से इसको गुणा कर दो तो कितना बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 को एक्स से किया तो 2x, ध्यान रखना इस 2 को, अगर मैं जैसे मान लीजिए ये एक्स आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x होगा, मैंने क्या कहा x के नीचे x, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, तो ये x कितना है माइनस का 2x, तो माइनस का 2x यहां लिखना है, ठीक है। अब क्या किया, साइन चेंज किया, ये माइनस का है तो प्लस, ठीक है। अच्छा क्या इसका साइन चेंज होगा क्या, नहीं, इसके साइन को तो हमारे से लेना देना ही नहीं, हमारे को तो इनके नीचे वाले टर्म्स के साइन से मतलब है, नीचे वाले पदों के साइन से मतलब है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये तो कट गया, माइनस का 3 स्क्वायर, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये बन जाएगा प्लस का 5 और 2 7 माइनस 3। अब क्या करना है, माइनस का 3x स्क्वायर है और उसके अंदर भाग देना है किसका, x स्क्वायर का, कितनी बार जाएगा, अच्छा पहले वाले भाग में कितनी बार गया था, x बार, और फिर दूसरे वाले में कितना आएगा माइनस 3, तो माइनस 3 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6, फिर ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट गया प्लस माइनस, फिर ये कितना बचा आपके पास 7x प्लस माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9। अब अगर मैं भाग दूंगा तो क्योंकि इसकी घात जो है अधिकतम कितनी है 1 और इसकी घात अधिकतम कितनी है 2, तो भाग नहीं जा सकता, मैंने आपको पहले भी बताया x की अधिकतम घात कितनी है 1, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा ना x की घात 1/x की घात 2, अब देखो ये कट रहा है 1/x आ रहा है, तो 1/x से तो भाग देना नहीं है आपको, समझ में आया। तो ये आपका हुआ, ये क्या हुआ इसका शेषफल, और ये क्या हुआ इसका भागफल। सत्यता की जांच तो करनी है नहीं, तो वो आपका एक अलग सा टाइम बच जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, px बराबर आपको दे रखा है x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx आपको दे रखा है 2 माइनस x स्क्वायर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि समीकरण को सबसे पहले व्यापक पद में रखिए, तो यहां पर हमने व्यापक पद में रखा और हम क्या देखते हैं, जैसे ही मैं इसको व्यापक पद में रखता हूं तो माइनस x स्क्वायर प्लस 2 आपको मिला,
ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद आगे आएगा। अब क्या किया, सेम प्रोसेस, नया कुछ करना ही नहीं है, एक्स की घात चार में भाग दे दो माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये कट जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस के एक्स स्क्वायर से इस पूरी समीकरण को गुणा कर दे दो, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स की घात चार माइनस दो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की घात चार। अब ये माइनस दो एक्स स्क्वायर कहाँ लिखूंगी, इसमें तो है ही, तो अलग से लिख दो ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। फिर साइन चेंज कर दो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो कट गया। अब x की घात चार के बाद आता है x की घात तीन, लेकिन x की घात तीन तो इसमें है ही नहीं, फिर आता है x की घात दो, x की घात दो है तो ये पहले लिखो दो एक्स स्क्वायर, फिर आएगा बाद में ये माइनस का पांच एक्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा, माइनस का पांच एक्स और प्लस छह लिख दिया मैंने, समझ में आया आपको ये क्या किया मैंने। फिर इसके बाद क्या किया, दो एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाया तो माइनस का दो आया, यहां लिख दो माइनस का दो, इस माइनस के दो को गुणा कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दो से, तो माइनस माइनस प्लस दो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस दो दुना चार हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस दो एक्स स्क्वायर माइनस चार। अब आप देख सकते हो ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो कट गया प्लस माइनस। अब माइनस का पांच एक्स बच गया और छह और चार कितना होता है दस, तो ये दस एक्स आ गया। इसकी घात एक है, इसकी घात दो है, आगे भाग करना ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका शेषफल, और ये क्या है, इसका भागफल। समझ में आया, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आता है कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सर इस पर प्रॉब्लम आ रही, जब आप पढ़ो तब आप पूछ लो, तो 24 घंटे के अंदर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, तो पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करके आपको ये पता लगाना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। एक तरीका मैं आपको बहुत सिंपल सा बता चुका हूँ, क्या करना है, मान लीजिए गुणनखंड होगा तो सिंपल सी बात है, उसका जो शेषफल होगा वो जीरो आना चाहिए, शेषफल जो है वो जीरो आना चाहिए। दो तरीके से निकाल सकते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये पी एक्स है आपका, और ये आपको लिया पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस, है ना। अब एक्स बराबर हमने दो रख के देखा, इसको माइनस कर लो, माइनस सात एक्स दो रख के देखा, तो दो का स्क्वायर माइनस सात दो प्लस दस, तो चार माइनस चौदह प्लस दस कट जाएगा, कितना आया जीरो। तो आप क्या बोल सकते हो कि एक्स माइनस दो, एक्स बराबर दो है इधर आ जाएगा तो एक्स माइनस दो हो जाएगा, तो आप क्या कह सकते हो कि एक्स माइनस दो इसका एक गुणनखंड है। समझ में आया, लेकिन ये तो कब करना है आपको, जब आपको नहीं बोला हो कि ये इसका गुणनखंड है, भागफल विधि से सॉल्व कीजिए। यहाँ तो बोल दिया कि आपको भागफल से ही करना है, तो भागफल से करने के लिए सबसे पहले तो सिंपल सा, अगर आप जल्दबाजी में हो, एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन छूट रहा है, तो टेक्निक मैंने आपको बता दिए, इसको जैसे आपके पास ये क्या है, ये पूरा इसका गुणनखंड है ना, ये आपको बताना है, तो टी का मान निकाल लीजिए, टी का मान कितना है, अगर रूट तीन इस समीकरण में रख दीजिए, अगर भागफल, अगर शेषफल जो है वो जीरो आ जाता है, शेषफल, भागफल की बात नहीं कर रहा हूँ, शेषफल अगर जीरो आ जाता है तो आप बोल देना डायरेक्ट क्लियर कि ये इसका एक गुणनखंड है, और नहीं है तो फिर वो आप देखते हैं कि करना कैसे, भागफल विधि से कैसे करना है। तो ये दो टी की घात चार, तीन टी की घात तीन, दो नौटी माइनस बारह, ये है आपके पास टी स्क्वायर माइनस तीन। तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या करना है, यहां से पहला उठाना है, यहां से पहला उठाना है, लिखा दो टी की घात चार बटा टी स्क्वायर, कट जाएगा टी स्क्वायर, दो टी स्क्वायर, दो टी स्क्वायर से गुणा करो टी स्क्वायर माइनस तीन को, तो ये बन जाएगा दो टी की घात चार माइनस तीन दूना छह टी स्क्वायर, सिंपल सा था, तो दो टी स्क्वायर से हमने इसको गुणा किया तो ये बन गया दो टी की घात चार माइनस छह टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ये है तो इसके नीचे आएगा माइनस का छह टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस का, ये हो गया आपका प्लस का, ये तो कट गया, एक प्लस एक माइनस कट गया। अब चार के बाद आता है तीन, तो तीन है इसमें, तो तीन उतारो पहले,
इसका साइन चेंज नहीं होता है, साइन नीचे जो लिखा होता है ना उसका चेंज होता है। फिर आप ये देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये प्लस का 4t² - 9t - 12। फिर वापस ये आपके पास है 3t³ भाग दीजिए t² का, बचेगा t, तो ये 3t आपके पास बच गया, तो प्लस का 3t। इस 3t से इस पूरे को गुणा कर दीजिए, तो 3t³ - 3t या 9t, तो ये हो जाएगा 3t³ - 9t। ये आपको समझ आ रहा है अब कि जिसके नीचे टी के नीचे टी लिखना है, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला लिखना है ताकि काटने में आसानी हो। अगर हम इनके साइन की बात करें तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये तो कट गया, ये माइनस का है प्लस का कट गया, 4t² - 12। तो यहाँ देखो आप 4t² बटा यहाँ कितना है t² काट दो, कितना आया 4 4, तो ये प्लस का 4, इस 4 से इसको गुणा कर दो, t² - 3, तो 4t² - 12। ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, कट गया दोनों, कितना आया 0। अगर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसका एक गुणनखंड है। समझ में आया? तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया है, बाकी के दोनों आप क्या करोगे एक बार ट्राई करोगे। नहीं आता है व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों वापस सेम क्वेश्चन आ गया, आपने हमने इसका जैसा उदाहरण भी किया था, हमने इसका जैसा उदाहरण भी किया था। अधिकतम घात 4 है, इसका मतलब 4 शून्यांक होंगे, 2 इसने दे दिए, तो 2 की मदद से क्या निकल जाएगा, एक आपके पास गुणनखंड आ जाएगा इसका। तो ये आपको इसने दिया x बराबर रूट, अब ये x बराबर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये होता है तभी तो ये मान निकलता है, और एक बराबर दे दिया इसने x बराबर माइनस का √5/3। ठीक है, यहां से x माइनस √5/3 और यहां से आपके पास आ जाएगा x प्लस √5/3। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a² - √5 √5/3 का होल स्क्वायर, तो ये बच जाएगा x² - 5/3। ये आपको समझ आया? अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, ये आपको समीकरण दे रखिए, क्लियर, भाग देना है, तो भाग देना तो हम सीख ही चुके हैं, तो x² - 5/3 3x³ 4 6x³ 3 2x² 10x - 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, भाग देते हैं, ये पहला यहां से इसका पहला, तो 3x³ 4 में x² का भाग दे दो तो ये बच जाएगा 3x², तो 3x² लिख दिया, इस 3x² से गुणा कर दो x² - 5/3 को, तो ये बन जाएगा 3x² - 5x², 3 से तो 3 कट जाएगा ना, तो 5x² है, तो ये बन गया आपका 3x² है, ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया, ये कितना बचा 6x³, ये प्लस का है 5 और ये माइनस का है, तो प्लस का 3x² - 10x - 5। फिर आपको समझ तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती पढ़ रहे हो आप लोग, क्लियर है ना आपको, बहुत बेसिक सा। देखिए मैं आपको पढ़ाते हुए महसूस कर सकता हूं, अगर आपको फिर भी डाउट होता है मैंने आपको बता दिया है इलाज इसका क्या हो सकता है, थोड़ा सा मन लगा के पीटी पढ़िए तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दो एक बार एक आदमी को ऑर्डर मिला, मूर्तिकार को ऑर्डर मिला, उसको ऑर्डर मिला तो मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। अब वो क्या गया, जंगल के अंदर गया, वहाँ से दो पत्थर उठा के ले गया कि एक पत्थर अगर ख़राब हो गया तो हम दूसरे पे काम करेंगे। मूर्ति बनाने का जब उसका ऑर्डर मिला तो उसने मूर्ति बनाना स्टार्ट करी, एक पत्थर पे मारी उसने, पत्थर से और छेनी से, मतलब जो पत्थर पर उसने छेनी और थोड़े से वार किया, तो पत्थर बोला कि मुझे दर्द होता है। उसने कहा ठीक है भाई छोड़ देते हैं तेरे को, उसको रखा, दूसरे को मारने लग गया, दूसरे से पूछा क्या दर्द होता है, उसने कहा होता है लेकिन मारो, उसने उसको ठोका, ठोकने के बाद उसको एक शानदार भगवान की मूर्त का रूप दिया।
जब उसने उसको एक मूरत का रूप दिया और जब वो ऑर्डर बनकर तैयार हुआ, जब वो ऑर्डर बनकर तैयार हुआ तो जिसने ऑर्डर दिया वो उसको लेने आया। जब वो मूर्ति लेने आया तो जाते जाते उसने देखा, उसने कहा मूर्ति तो बहुत गजब की बनी। उसने जाते जाते देखा कि एक पत्थर साइड में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्या हम इसे साथ में ले जाएं? बोले क्यों? बोले इस मूर्ति के यहाँ पे, अगर ये भगवान की मूर्ति के पास में इसके रख देंगे ताकि नारियल वगैरह का फोड़ने के काम आता है। अब देखिए आप, पहले पत्थर को चोट सहन नहीं हुई और दूसरे पत्थर ने चोट सहन करी। तो जितना ज्यादा तपोगे उतना ज्यादा सोना बनोगे। अब वो पत्थर तो बन गई मूर्ति और दूसरे पत्थर बन गया कौन सा? नारियल फोड़ने की जगह, जिस पे जो भी आता हर 5 मिनट पे थपाक, फिर 2 मिनट आता थपाक, हर कोई आता और उस पे नारियल फोड़ता, उस नारियल का जल दूसरे वाले पत्थर पर चढ़ता। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे कि आपको तपना है, जितना तपोगे उतना सोना बनोगे। चलिए तो 6x3 और इसमें अगर हम भाग देते हैं 6x3 x² का भाग देते हैं तो x बचेगा, तो ये प्लस का 6x, इस 6x से इसको गुणा कर दो तो x² - 5/3 कितना हो जाएगा? 6x3 - 5/3 गुणा 6x, 3 × 6 तो ये बच जाएगा 6x3 - 5 × 10x, 6x³ - 10x। देखो साइन चेंज करो इसके, माइनस प्लस कट रहा है, कट रहा है, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, तो 3x² - 5 यहां पर कितना है? वही सेम 3x² में भाग दे दो किसका? x² का। कितना बचा? +3, तो यहां लिख दो +3। ये +3 आपने लिख दिया, अब क्या करना है? इस +3 से गुणा करो उसको, -5, तो ये माइनस का, ये प्लस का, कट गया 0। इसका मतलब ये है कि ये इसका एक गुणनखंड है। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो फिर भाई बाकी के 2 शून्यांक निकाल लें। क्वेश्चन तो शून्यांक का था तो शून्यांक तो निकाले, निकाले नहीं अभी तक हमने, शून्यांक निकालते हैं। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, कर लिया। अब देखिए मैं इस वाले भाग को उठा देता हूं यहां से, अब आपके पास क्वेश्चन था 3x² इस पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है, लेना चाहो तो ले सकते हो, तो ये बच जाएगा x² 2x + 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x² + x + x + 1, 3x कॉमन आ गया तो x+1 + 1 कॉमन आ गया तो x+1, तो एक तो बन गया x+1, दूसरा बन गया x+1, और ये 3 बार आ गया, तो 4 इसके शून्यांक हो गए। एक ये रहा, एक ये रहा, एक आपका बन गया कौन सा? x - √5/3, एक बन गया x+√5/3। तो 4 शून्यांक यहां पर इसके बन गए। ये आपको समझ आ गया अच्छे से एकदम? कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स आपको दे रखा है, जी एक्स आपको ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल दिया हुआ है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हमने क्या देखा? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। इस फॉर्मूले में इसका मान रख देते हैं, तो भाज्य कितना है आपका? x³ 3x² x + 2। भाजक कितना है? भाजक तो आपको निकालना है, तो भाजक को लिख देते हैं भाजक। भागफल कितना है? x - 2, और शेषफल कितना है? -2x + 4। इसको हल कर लेते हैं, इसको पहले तो इधर ले आता है, देखो ये पूरा प्लस का, ये पूरा इधर आके माइनस का बन जाएगा, तो x³ - 3x² + x + 2 माइनस, देखो ये पूरा इधर आके ऐसा बन जाएगा -2x + 4। अब अंदर गुणा करोगे तो ये तो प्लस का 2x हो गया, प्लस माइनस -4 हो गया, तो ये बन जाएगा प्लस का 2x - 4 बराबर, ये बन गया भाजक गुणा x - 2। अब ये समीकरण तो बन गया x³ - 3x² + 2x और 1x मिला के 3x, 4 में से 2 गया तो -2 बराबर
भाजक इंटू एक्स माइनस दो। इस एक्स माइनस दो से अगर आप डिवाइड करोगे, इस एक्स माइनस दो से अगर आप भाग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, भाजक, यानी कि एक्स की घात 3 - 3x² 3x - 2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ये आप करोगे। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई प्रश्नावली के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी का 1 साल बचा सकता है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चैप्टर में 10th क्लास में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ सकते हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जुड़ सकते हो, आप मुझसे यूट्यूब पर जुड़ सकते हो। जहाँ आपको उचित लगे आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी धमाकेदार टॉपिक के साथ।